सुपर मीटियोर 650 इसका जो मीडिया राइड हुआ था ये राजस्थान की बेहतरीन सड़कों के ऊपर हुआ था। तो क्या ये राजस्थान की बेहतरीन सड़कें आपकी शहरों में है? तो मैं आपको बताने वाला हूँ आपकी शहर में, आपकी सिटी ट्रैफिक में इसका एक्सपीरियंस कैसा है, बिजी रोड्स में, सिटी ट्रैफिक में इसका एक्सपीरियंस, इसका हैंडलिंग कैसा है, कैसा परफॉर्म करता है, सस्पेंशन कैसा है, ब्रेकिंग कैसा है, माइलेज कितना दे सकता है, हर एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ। एंड ये भी बताने वाला हूँ कौन सी लोगों को ये बाइक ज़रूर देखना चाहिए और कौन सी लोगों को ये बाइक ज़रूर कंसिडर करना चाहिए 2023 में। अगर आप क्रूज़र ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ जितने भी क्रूज़र ग्लोबल मार्केट में जितने क्रूज़र थे अगर उनके साथ कंपेयर किया जाए तो ये बाइक अभी एक बहुत बड़ा प्रेजेंट लेके आया है। एंड इसका जो रोड प्रेजेंट्स है मैं आपको बता दूं, हार्ले डेविडसन स्ट्रीट 750 एंड कावासाकी वोल्केनो एस के साथ आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं। एक ऐसा बाइक रॉयल एनफील्ड ने इंट्रोड्यूस किया है इंडियन मार्केट में, नॉट ओनली इंडियन मार्केट, ये ग्लोबली रिप्रेजेंट करेगा रॉयल एनफील्ड ब्रांड की। हर एक कंपनी की एक प्रेस्टिजियस ब्रांड होता है, तो मैं सोचता हूँ कि रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियोर 650 रॉयल एनफील्ड की तरफ से एक बेहतरीन पेशकश है। पहला जो लुक्स है, पहला जो रोड प्रेजेंट्स है इस बाइक का बहुत ही खूबसूरत है। हर कोई इस बाइक को देखेगा, हर कोई बाइक के बारे में पूछेगा, ऐसा इसका रोड प्रेजेंट्स है। एंड लुक्स के मामले में रॉयल एनफील्ड इतना फिट एंड फिनिश अभी तक एक भी बाइक में मैंने नहीं देखा कि इतना अच्छा फिट एंड फिनिश। इंटरसेप्टर 650 के साथ, कॉन्टिनेंटल GT के साथ इंजन जरूर शेयर करता है लेकिन इसका जो फिट एंड फिनिश है ये काफ़ी शानदार है। आप देख सकते हैं हर एक जगह आपको यहाँ पर पाउडर कोटिंग मिलेगा, यहाँ पर कलर किया हुआ नहीं है, ये पाउडर कोटिंग है। एंड इसका फिट एंड फिनिश टॉप नॉच है, साथ में इसके स्विच की क्वालिटीज, हैंडल बार की क्वालिटीज, इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो कि मीटियोर 350 से शेयर होता है वो भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि यहां पर जो टर्न बाय टर्न नेविगेशन यहां पर दिया गया है ये स्टैंडर्ड है। तो लुक्स के मामले में 10/10 देना चाहिए बाइक को। तो उसके साथ साथ इसका जो ब्रेकिंग है मैं आपको बता दूं, ब्रेकिंग इसमें आपको फ्रंट में 320mm की डिस्क ब्रेक देखने में मिलता है एंड काफ़ी शानदार इसका ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है। साथ में डुअल चैनल ABS के साथ आता है। रियर में आपका 300mm की डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है जो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। एंड इसका जो इंजन है, इंजन मुझे नहीं लगता बताने का कोई ज़रूरत है क्योंकि ये इंटरसेप्टर 650 से शेयर किया गया इंजन है, लेकिन इसमें आपका जो पावर डिलीवरी है ये थोड़ा सा डिफरेंट आपको मिलेगा, क्योंकि मैं इंटरसेप्टर 650 काफ़ी टाइम से चला चुका हूँ, मुझे लगता है इसका जो पावर डिलीवरी है थोड़ा सा लीनियर है। एंड साथ में इसका जो पावर रेशियो है, मतलब लो एंड टॉर्क है, ये बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है, क्योंकि जब भी आप 50-60 स्पीड में चलाएंगे तब अगर आपका फोर्थ या तो फिफ्थ गियर में भी होंगे तो मैं आपको बता दूँ इसका स्टार्ट नहीं ऑफ होता है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। साथ में टायर प्रोफाइल, इस बाइक को फ्रंट में आपका 19 इंचेस का व्हील देखने को मिल जाता है एंड 190 सेक्शन वाला टायर आपको देखने को मिल जाता है। एंड रियर में आपकी 16 इंचेस के व्हील देखने को मिलता है जो इस बाइक की एक अलग सा पहचान बनाता है, क्रूज़र बाइक की एक निशानी होता है कि फ्रंट में आपका बड़ा टायर एंड पीछे आपका थोड़ा सा उसकी कंपेयर किया जाए उसके साथ तो थोड़ा सा छोटा टायर। सीटिंग पोजीशनिंग की बात करें तो यहाँ पर कोई भी बंदा जिसका हाइट 5.7-5.8 भी होगा आसानी से चढ़ सकता है, आसानी से बैठ सकता है। एंड इसका फर्स्ट बैठने के बाद जो इम्प्रेशन होगा वो है इसके कंफर्ट। इस हैंडल बार को पकड़ने के बाद आपको महसूस हो जाएगा कि इस बाइक के ऊपर आप पूरा दिन बिता सकते हैं, होल डे आप क्रूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हैंडल बार काफ़ी वाइड हैंडल बार है और ये हैंडल बार आपकी तरफ है,
एंड सीटिंग पोजीशन, ये जो सीट है इस सीट के ऊपर आप बैठते नहीं, इस सीट के अंदर आप बैठते हैं। तो आप देख सकते हैं ये क्रूज़र की एक निशानी है। लेकिन रेयर सीट मैं बताऊंगा कि रेयर सीट अगर आपका क्रूजिंग रहता है, साथ में पिलियन रहता है, बहुत सारा लगेज रहता है, तो मैं रिकमेंड करूंगा इसका जो टूरर वर्सन है उसके साथ जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर आपका बहुत लंबा सीट मिलता है, साथ में वहाँ पर आपका जो रेयर पिलियन सीट है उसका कुशनिंग बहुत अच्छा है एंड उसमें आपको बैक रेस्ट भी मिल जाता है, लेकिन इसमें आपको बैक रेस्ट नहीं मिलता है। तो इस बाइक के साथ रॉयल इनफील्ड फुल एलईडी सेटअप इंट्रोड्यूस किया है। आप देख सकते हैं हेडलाइट सेटअप जो है ये फुल एलईडी है एंड इसमें आपका बैकलाइट सेटअप, इसमें भी आपको एलईडी मिलता है। एंड यहाँ पर आपका फ्रंट में सोहा की सस्पेंशन, जो 43mm की सस्पेंशन दिया गया है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। हालांकि रेयर का जो सस्पेंशन है ये थोड़ा सा स्टीव है, क्योंकि इस बाइक को रॉयल एनफील्ड कुछ इस तरीके से बनाया कि आप हाईवे में जब भी क्रूजिंग करेंगे तब आपको कॉर्नरिंग करने की टाइम दिक्कत ना दे। मेनली एक क्रूज़र बाइक की जो निशानी होती है एंड उसका जो वो कितना कंफर्टेबल हो सकता है इसका पहचान होता है उसका व्हील बेस से। तो यहाँ पर आपका 1500mm की व्हील बेस आपको देखने को मिल जाता है, जो इस सेगमेंट में बहुत ही लंबा व्हील बेस आपको देखने को मिलता है। सस्पेंशन सेटअप भी वैसा ही है, सस्पेंशन सेटअप यहाँ पर आपका USD Fox हुआ की तरफ से आता है, जो काफ़ी शानदार परफॉर्म करता है। एंड इसके जो परफॉर्मेंस है ये आप सिटी में चलाइए, हाईवे में चलाइए, बहुत ही अच्छा सस्पेंशन है। लेकिन रेयर में जो होता है, रेयर में क्रूज़र बाइक के साथ थोड़ा सा अलग चीज़ होता है। रेयर में थोड़ा सा स्टीप सस्पेंशन दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सीट हाइट भी कम रखा जाता है एंड ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको देना होता है। तो इस बाइक के साथ भी वही है, यहाँ पर थोड़ा सा स्टीप सस्पेंशन है, क्योंकि यहाँ पर ये जो सस्पेंशन दिया गया है ये मैं नहीं कहूँगा परफेक्ट है, लेकिन अच्छा है। इससे अगर सॉफ्ट सस्पेंशन होता तो क्या होता, आपका कॉर्नरिंग में बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता था, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा स्टीप सस्पेंशन आपको मिलता है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस बाइक के साथ, इसको राइड करने के लिए एंड एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आप लोगों के साथ। तो ये बाइक जो है ये कलकत्ता से बॉबी दा प्लीज़ कम, ये फास्ट बाइक है जो रॉयल एनफील्ड ने यहाँ पर रॉयल एनफील्ड की शोरूम से फास्ट डिस्पैच हुआ है। एंड ये बाइक जो है बॉबीदा का है, बॉबीदा का बहुत सारे है, हिमालयन है, क्लासिक है, और क्या है, मेटियोर 350 है। तो ये बाइक के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा है? असाधारण, मैंने भाबा जावे ना एत सुंदर। और एक बार हिंदी में कैसा है? हिंदी ज़्यादा नहीं बोल सकते, फिर भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है एकदम। लुक्स में मैं फिदा हो गया। तो ये बाइक जिनका है बॉबीदा का कहना है लुक्स में फिदा हो गया। साथ में इस बाइक का रॉयल एनफील्ड का पहले से ही बहुत बड़ा फ़ैन है, उनके पास बहुत सारे रॉयल एनफील्ड की बाइक है और ये भी एक कलेक्शन उनके पास नया आ गया। तो चलिए राइडिंग सेक्शन में बात करते हैं और क्या क्या चीज़ आपको बोल सकते हैं। ये जो लोगो आप देख रहे हैं ये रॉयल एनफील्ड का लोगो तो नहीं है, ये बंगाल टाइगर हेड्स की लोगो है, जो बंगाल का ये एक बहुत अच्छा बहुत बढ़िया कम्युनिटी है जो बेसिकली कलकत्ता से बिलोंग करता है और इन लोगों के पास सिर्फ रॉयल एनफील्ड है एंड रॉयल एनफील्ड को लेके बहुत सारा एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास रॉयल एनफील्ड है और एक अच्छा ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो बंगाल टाइगर हेड्स के साथ आप जुड़ सकते हैं। तो अभी हम राइडिंग सेक्शन में आ गए हैं। ओह माय गॉड, इसका जो एग्जॉस्ट का साउंड आ रहा है ना, बहुत ही खूबसूरत साउंड आपको यहाँ पर सुनने को मिलता है। एंड जिसके पास भी ऐसा साउंड सुनाई देगा वो आसानी से इस बाइक को पीछे रेयर मुड़ के देखेगा एंड घूमेगा, क्योंकि इसका एग्जॉस्ट नोट की साथ साथ इसका रोड प्रेजेंट्स, कमाल का रोड प्रेजेंट्स है, कोई भी बंदा इसको घूम के देखेगा। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है ये एनालॉग डिजिटल मिक्स है। यहाँ पर स्पीडोमीटर आपका जो है ये एनालॉग मिलता है एंड छोटा सा एमआईडी आपको मिलता है। यहाँ पर राइट साइड में जो छोटा सा चीज़ है ये है आपका नेविगेशन, जो सिटी में तो ज़रूरत नहीं है इतना, तो ये आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। हैंडल बार देखिए कितना वाइड हैंडल बार है एंड बैठने की बात कितना ये आरामदायक आपको महसूस होता है, कितना कंफर्टेबल है। लाइफ में अगर बहुत सारे किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं, बहुत दिन से राइड कर रहे हैं,
तो ज़रूर आप इस क्रूज़र के साथ एक बार टेस्ट राइड लीजिए। ये क्रूज़र आपका राइडिंग जो एक्सपीरियंस है ये बदल के रख देगा। इसका ब्रेकिंग, इसका हैंडलिंग, देखिए सिटी में आप इसको मनोवरिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत वेटी है, 241 kg की है। एंड मैं आपको बता दूं, जब भी आप इस बाइक को लेके ऐसे पीछे लेके जाएंगे तब आपको फील होगा कि अगर फोर व्हीलर जैसा इसमें गियर होता पीछे जाने वाला तो शायद अच्छा होता। इसका वेट कुछ ऐसा है, लेकिन ये बाइक जब भी हाईवे में जब भी चलना स्टार्ट होता है तो इसका कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है क्योंकि इसका वेट आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता। एंड सीटिंग पोजीशनिंग में पहले ही बताया कि ये सीट में आप बैठते नहीं हैं, ये सीट के अंदर आप बैठते हैं। एंड इसका जो हैंडल बार ये आपकी तरफ है, आप क्यों ना 400-500 किलोमीटर दिन में अगर क्रूज़ करना चाहते हैं तो इस बाइक के साथ कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये बाइक उन लोगों के लिए नहीं है जो ख़राब रास्ते में क्रूज़ करना चाहते हैं, तो क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 135 mm की, तो आपको ये हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि ये ग्राउंड क्लियरेंस लेके आप कभी भी क्रूज़ कर सकते हैं, लेकिन कभी भी आप पहाड़ों में नहीं ले जा सकते, ख़राब रास्तों में नहीं ले जा सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप पिलियन लेके जा रहे हैं नीचे टकराने वाला है, वो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये पसंद आने वाला है बेसिकली जो मिड एज पीपल है उन लोगों को बहुत पसंद आएगा क्योंकि उन लोगों का बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है, बहुत सारा बाइक का एक्सपीरियंस हो जाता है, बहुत सारा किलोमीटर का एक्सपीरियंस हो जाता है लाइफ में, बहुत सारे किलोमीटर्स वो चला चुके होंगे, एक्सपीरियंस बहुत है। लेकिन अभी मिड एज वाला पीपल लाइक 35-40 एज का पीपल जिनके पास ये क्रूजिंग बाइक उनको चाहिए तो ये बाइक ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। इस सेगमेंट में ऐसा लुक्स एंड इस प्राइस रेंज में कोई भी कंपनी मुझे नहीं लगता लॉन्च करने वाला है। तो ये बाइक आपको 3.5 से 4 lakh के अंदर मिल जाता है, दोनों वेरिएंट के साथ, तीन वेरिएंट के साथ आता है। अगर आप सोलो राइडर है तो आपको छोटा सीट के साथ आता है, अगर आप ये चाहते हैं ये स्टैंडर्ड वेरिएंट है, और एक है टूरर वेरिएंट जिसमें आपको बैक रेस्ट भी मिलता है एंड बहुत अच्छा कुशनिंग वाला सीट भी मिलता है, साथ में यहाँ पर आपका विंड स्क्रीन भी मिलता है जिसके आपका विंड प्रोटेक्शन बहुत अच्छी तरीके से होता है। तो इस बाइक की माइलेज के बारे में बात करें तो इजीली आपको 20 से 25 की माइलेज आपको इजीली मिलने वाला है। एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इंटरसेप्टर 650 एंड कॉन्टिनेंटल जीटी जैसा ही मेंटेनेंस कॉस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छा है, इसमें आपका एलॉय व्हील्स भी आ जाता है, जो इंटरसेप्टर या तो कॉन्टिनेंटल जीटी में जो सबसे बड़ा दिक्कत है वो है इतना वेटी बाइक, और अगर उसका किसी तरीके से लीक हो गया, पंचर हो गया तो बहुत बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। तो ऐसा मेंटेनेंस कॉस्ट आपको पकड़ के चलना पड़ेगा 4,000 to 5,000 ऐसा कुछ आएगा। वीडियो देखते रहिए, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए।